हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन माई सेल्फ अलीमुद्दीन शेख कादरी एंड माई यूट्यूब चैनल इज अलीमुद्दीन शेख कादरी। माई डियर फ्रेंड्स, टुडे वी विल हैव द डिस्कशिंग हियर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दोज यू आर कंप्लीटली बिलोंग्स इन योर यूनिट टेस्ट सेकंड। सो माई डियर फ्रेंड्स एंड माई डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव डिस्कस्ड विद इन फ्यू मिनट्स ओनली इन योर अकॉर्डिंग योर सिलेबस, देन वी हैव स्टार्टेड टू अवर नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट लेसन एंड एक्सप्लेन द आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चंस। दोज क्वेश्चंस आई पुट आउट इन डिफरेंट स्टूडेंट्स इन माई व्हाट्सएप नंबर्स। माई डियर फ्रेंड, माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों से बताना चाहूंगा, मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी अपने यूट्यूब चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी और कोचिंग क्लासेस कादरी कोचिंग क्लासेस के माध्यम से मैं आप सभी को एक बात का फिर से बता देना चाहता हूं। आज मैं क्लास 9th से लेकर के क्लास 12th तक के यूनिट टेस्ट के विषय में मॉडल पेपर देंगे, बताएंगे आपको, जिसके विषय में सिर्फ मैं आपसे कुछ ही समय लूंगा और इसके पश्चात फिर मैं आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करने के मेथड और क्वेश्चन कैसे अराइज किया जाएगा, कैसे पूछा जाएगा, उसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, इसके प्रोसेस बताऊंगा। तो आइए एक बार फिर चलते हैं हम आप लोगों को लेकर के। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही बता दिया था, क्लास 9th में दो लेसन हैं यूनिट टेस्ट के लिए, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एंड टिश्यू। माय डियर फ्रेंड्स, जीवन की भौतिक और मूलभूत इकाई क्या है या कोशिका है, इसके विषय मैंने आपको बता दिया है। और अगला हमारा टॉपिक है टिश्यू, ऊतक क्या होते हैं, और इनके विषय में ऑलरेडी हमने यूट्यूब चैनल पर क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं, किस तरह के क्वेश्चन आपसे राइज किया जा सकता है। और क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए मैंने सिलेबस दिया है लाइफ प्रोसेस एंड हेरिडिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बार और फिर आप लोगों से बता देना चाहता हूं, क्लास 9th का सिलेबस जो है यह बेस है क्लास 11th के सिलेबस का, और क्लास 10th का सिलेबस बेस है क्लास 12th के सिलेबस का। तो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स है आस्किंग मी क्वेश्चंस विथ माय व्हाट्सएप नंबर। बहुत सारे बच्चों ने मेरे व्हाट्सएप नंबर के साथ मुझसे क्वेश्चन किया है और उनके आंसर भी मैंने उनको दिए हैं। आइए कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करके उनका आंसर देना है, आज हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करके उनका आंसर देंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा, जितने भी हमारे क्लास 10th 11th 12th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम बता देना चाहेंगे, या हम सिर्फ एक मॉडल आपको बता रहे हैं। जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं एक मॉडल है, न कि यह क्वेश्चन पेपर है, इस बात का पहले ध्यान रखें। ऐसे में बोर्ड के पेपर का भी क्वेश्चन का मॉडल दूंगा, ना कि क्वेश्चन का पेपर दूंगा। बोर्ड के क्वेश्चन कैसे आएंगे, किस प्रकार से आएंगे, क्योंकि इस बार आप सभी लोग जानते हैं कि 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है। 30% सिलेबस रिड्यूस होने से जो चैप्टर बचे हुए उससे कैसे आपसे क्वेश्चन अराइज किया जाएगा, कैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उन विषय में मैं आपको बताना चाहूंगा, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अब कैसे पूछे जाएंगे, आपको उसका आंसर कैसे करना है। सबसे पहले आप इस बात को ध्यान दें कि समय आपका उतना ही रहेगा, समय में कोई कटौती नहीं। मैं समझिएगा 30% टाइम भी लेस कर दिया गया, ऐसा कुछ नहीं है। आपके एग्जाम का टाइम उतना ही है जितना कि इसके पहले आपको टाइम दिया जाता रहा। 3 आवर्स आपको रिटर्न के लिए है, 15 मिनट्स आपको रीडिंग के लिए है। क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो आपको रीडिंग करना है 15 मिनट तक आप रीडिंग करेंगे,
उसके बाद आपको आंसर शीट दी जाएगी, फिर आपको जो है बेल लगने पर आपको 3 घंटे का पेपर दिया जाएगा। आप 3 घंटे तक उस पेपर को सॉल्व करेंगे, यह समय आपका है। तो आप इतने समय में अपने आंसर को किस तरह से प्रोसीड करेंगे, किस तरह से बताएंगे, किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, राइटिंग करेंगे, आइए कुछ टॉपिक पर मैं अध्ययन कराता हूं। सबसे पहले मैंने बता दिया क्लास 9th को मैंने दिया है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्लास और टिश्यूज, क्लास 11th को मैंने दिया है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, सेल साइकिल कोशा चक्र और कोशिका विभाजन। और क्लास 12th के लिए ध्यान दीजिएगा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये मेरा पहला लेसन है। और मेरा दूसरा लेसन है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। माय डियर फ्रेंड, क्लास 9th में भी आप लोगों ने पढ़ा व्हाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों होते हैं। तो हमारे स्वस्थ रहने और बीमार होने की परिभाषा जो मैंने आपको बताया था, ए हेल्दी पर्सन ए डिजीजेस पर्सन, हेल्दी पर्सन से बताया था आपको दोज पर्सन दोज आर कंप्लीटली आर फुल्ली फिटेड बाय मेंटली फिजिकली एंड सोशियली वेल बींग्स, सोशियली वेल बींग्स दोज पर्सन इज कॉल्ड हेल्दी पर्सन। तो ये हेल्दी पर्सन की डिफिनेशन हुई। एंड डिजीजेस दोज यू कैन नॉट बी अकर इन दिस टाइप्स ऑफ वंस, जिनमें इनमें से कोई एक भी नहीं पाया जाएगा। मेंटली डिस्टर्बेंस हैड नॉट बी हेल्दी पर्सन्स, सोशली डिस्टर्ब हैड नॉट बी हेल्दी पर्सन्स, फिजिकली डिस्टर्ब हैड नॉट बी हेल्दी पर्सन्स। सो इज लाइक ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। तो आइए सबसे पहले हम आपको डिस्कस करेंगे क्लास 11th के क्लास प्रोसेस पर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। माय डियर फ्रेंड्स, मॉर्फोलॉजी आकार की ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पुष्पी पादपों की आकार की क्या होती है, एक कंप्लीट फ्लावर क्या होते हैं एंड इनकम्प्लीट फ्लावर क्या होते हैं। कंप्लीट फ्लावर के विषय में जैसा कि आप लोग नोट कर सकते हैं, यहां पर मैंने चैप्टर लिखे हैं, उस चैप्टर को आप आसानी पूर्वक देख सकते हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स क्लास 11th के लिए है, ध्यान दीजिएगा, नोट करिएगा, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन, ये क्लास 11th के लिए दो लेसन। क्लास 12th के लिए प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। सेकंड, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, ये मेरा लेसन है। अगर आप लोग इसको नोट कर लिए हो, रीड कर लिए हो, पढ़ लिए हो, तो हम आपको आगे एक्सप्लेनेशन का प्रोसेस स्टार्ट करें, बताएं आपको, समझाएं आपको किस तरह से इसमें हम डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं, सबसे पहले हम शुरू करते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से। माय डियर फ्रेंड्स, आपसे एक क्वेश्चन किया जा सकता है, एक्सप्लेन द मॉर्फोलॉजी, पहले मॉर्फोलॉजी पूछा जाए, मॉर्फोलॉजी है क्या, आकार की है क्या, एंड हाउ मेनी पार्ट ऑफ फ्लावर, व्हाट इज फ्लावर, पुष्प क्या है, एंड हाउ मेनी पार्ट ऑफ फ्लावर, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ कंप्लीट फ्लावर, व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ इनकम्प्लीट फ्लावर, एक पूर्ण पुष्प की क्या परिभाषा है, एक अपूर्ण पुष्प की क्या परिभाषा है, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, पुमंग और जायांग, एक पुमंग के कितने भाग होते हैं और पुमंग कितने प्रकार के होते हैं, एक गाइनोसियम के कितने पार्ट होते हैं और गाइनोसियम कितने प्रकार के होते हैं, और इन्हीं सभी का अध्ययन का मिलकर के कहा जाता है कि इनफ्लोरोसेंस, उसका नाम हम देते हैं इनफ्लोरोसेंस, पुष्पक्रम। तो पुष्पक्रम से मेरा आशय यह है कि अगर आप किसी भी फैमिली के इनफ्लोरोसेंस के विषय में आपने स्टडी कर लिया है तो स्पष्ट है कि आप उस फैमिली से बिलोंग, मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स के विषय में आप डिस्कस कर लेंगे, मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स के विषय में आप उसमें डिस्कस कर लेंगे।
तो पहले आप इनफ्लोरेसेंस को जानिए, पुष्प क्रम को जानिए, फैमिली फैबेसी। अगर हमने क्वेश्चन अराइज किया, राइट द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ फैमिली फैबेसी, तो आपको सिर्फ पहले आपको स्टार्ट करना है व्हाट द सिस्टमेटिक पोजिशन ऑफ फैमिली फैबेसी। सिस्टमेटिक पोजिशन उसकी क्या है, वनस्पत जगत में उसका स्थान क्या है, देन हैबिट, हैबिटेट, अकरेंस, एट लॉस्ट इनफ्लोरेसेंस। आप आएंगे लीड रूट स्टेम में तो आपको लिखना ही है, मीन्स फिर से सुनिए, आपको चलना है सिस्टमेटिक पोजिशन। वहां पर आप फैमिली तक डिस्कस कर देंगे, फैमिली जिस फैमिली को आपसे पूछ दिया, क्रूसी फेरी को पूछा गया, फैबेसी को पूछा गया, मालवेसी को पूछा गया, सेजलपिनियसी को पूछा गया, मिमोससी को पूछा गया, कंपोस्टी को पूछा गया, लिलियसी को पूछा गया, जिस फैमिली को आपसे पूछा गया हो उस फैमिली का आप सिस्टमेटिक पोजिशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सिस्टमेटिक पोजिशन। सिस्टमेटिक पोजिशन के बाद तब आप शुरू करते हैं इसका अकरेंस कहाँ है, प्राप्ति स्थान क्या है, हैबिट क्या है, स्वभाव क्या है, आवास हैबिटेट क्या है, इसका आवास कहाँ है, फिर आप रूट लीव स्टेम इसके विषय में डिस्कस करेंगे, इसकी जड़ कैसी है, इसके तना कैसे, इसकी पत्तियां कैसी हैं, विनेशन कैसा है पत्तियों में, किस प्रकार की पत्तियां हैं, सिंपल है कि कंपोजिट है, रेडिएशन का विनेशन कैसा है, इसमें पैरेलल विनेशन है कि रेटिकुलेट विनेशन है, किस प्रकार का इसमें विनेशन शो कर रहा है। यदि आपको लीव्स, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स, माय डियर फ्रेंड्स मैंने आपको पढ़ाया है मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स, पत्तियों के रूपांतरण, एंड मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स, अगर आपसे ऐसी कुछ पूछे व्हाट इज मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स एंड गिव द फ्यू एग्जांपल ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स, तो वहां पर आप टेंड्रिल को लिखना नहीं भूलेंगे, टेंड्रिल इज अ पार्ट ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स, टेंड्रिल जो है पार्ट ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स है, इसलिए आप वहां पर टेंड्रिल को जरूर शो करेंगे। कहीं कहीं पर लीव्स कन्वर्ट हो जा रही है स्पिक्यूल्स में, जैसे आपने जीरोफिटिक प्लांट में देखा, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स का है, जीरोफिटिक प्लांट में आप देख रहे हैं कि लीव्स कन्वर्ट हो जा रही है स्पिक्यूल्स में, कांटों में, तो ये इसका रीजन है कि जीरोफिटिक प्लांट है, जीरोफाइट है, ये मरुस्थली पादप है ये, और मरुस्थली पादपों माय डियर फ्रेंड वहां पर इस प्रकार के वातावरण, वहां पर इस प्रकार की कृतियां, वहां पर इस प्रकार की अनुभूतियां, वहां पर इस प्रकार के वातावरण नहीं मिल पा रहे हैं, इतने वाटर सिस्टम वहां पर अवेलेबल नहीं है, इसलिए जब वहां पर इतने वाटर सिस्टम अवेलेबल नहीं है तो वहां पर के पौधे किस तरह से अपनी लाइफ को सर्वाइव करेंगे, उनकी रूट्स काफी गहराई तक धंस जाती है जमीन में और वहां से वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, और वाटर या मैक्सिमम अमाउंट में ट्रांसपरेंट ना हो, वाष्पित ना हो, इसके लिए उनमें लीव्स कन्वर्ट हो जाती हैं स्पिक्यूल्स में, लीव्स कन्वर्ट हो जाती है स्पिक्यूल्स, जैसे आपने देखा कैक्टस नागफनी के केस में। अब हम आपको एक एक करके डिस्कस कराते चलना है, अब आप फिर से देखिएगा, फ्लावरिंग प्लांट पर मैं डिस्कस कर चल रहा हूं और यहां पर आप देखेंगे, जैसे मैंने कहा कि कैक्टस के से मैंने अभी नाम लिया आपके सामने, आप देख सकते हैं किस तरह से कैक्टस का प्लांट, यहां पर आप देख सकते हैं ये प्लांट कैक्टस का, ये देखिएगा, इस पर आप देख सकते हैं यहां पर स्पिक्यूल लगा हुआ है, ये जीरोफिटिक प्लांट है, और जीरोफिटिक प्लांट में आपने देखा लीव्स नहीं है, स्टेम है, स्टेम के ऊपर ये जो कांटे थ्रोन दिखाई दे रहे हैं, थ्रोन है जो मैंने बनाया है अभी अभी, ये थ्रोन है, थ्रोन में होता है कांटा, इसका स्पिक्यूल होता है, ये मॉडिफिकेशन फॉर्म ऑफ द लीव्स है, पत्तियों का रूपांतरण है, और आपने कुछ पत्तियों को देखा, इसमें आप देखेंगे यहां पर मैं एक लीव्स बना रहा हूं, यहां पर आपने देखा कि लीव्स है और लीव पर एग्जाइल बर्ड्स है, एग्जाइल बर्ड से आप देख रहे हैं कि यहां पर ऐसे ऐसे टेंटिकल्स निकले हुए हैं, जैसे फैमिली मालवेसी, जैसे फैमिली आपने पैपिलियोनेसी में देखा, तो यहां पर ये प्लांट का डेवलपमेंट आप देख रहे हैं, इस तरह से डेवलपमेंट आप देख रहे हैं, और यहां पर ये लीव्स का मॉडिफिकेशन फॉर्म हो गया, अर्थात लीव्स का मॉडिफिकेशन इसलिए हुआ इसमें कि इसको डेवलप करने के लिए, अपने को सर्वाइव करने के लिए, अपने को अलाइव करने के लिए, चूंकि ये स्टेम इसका काफी वीक है, तना इसका काफी कमजोर है, यह पौधा सीधा खड़ा नहीं रह सकता है, इसलिए अपने को सीधा खड़ा रखने के लिए इसमें टेंडिकल्स का पाया जाना नितांत आवश्यक है।
इसी टेंटिकल की सहायता से किसी भी ब्रांच को ऐसे इस तरह से आप देख सकते हैं कि किसी भी ब्रांच को ऐसे पकड़ लेता है, किसी भी शाखा को ऐसे पकड़ लेता है, इस साइड से निकल कर किसी भी शाखा को ऐसे पकड़ लेता है, कैप्चर कर लेता है और कैप्चर करके वो पौधा जो है सीधी से ऐसे खड़ा हो जाता है। तो ये उन प्रकार के पौधे हैं जिनमें लीव्स का मॉडिफिकेशन हो रहा है, लीव्स का मॉडिफिकेशन हो रहा है, जीरोफिटिक है, यहां भी लीव्स का मॉडिफिकेशन हो रहा है। और अभी मैंने आपको बताया कि कंप्लीट फ्लावर और इनकम्प्लीट फ्लावर में, आइए देखते हैं हमारी फ्रेंड कंप्लीट और इनकम्प्लीट के विषय में अगर हम डिफिनेशन दें आपको, तो कंप्लीट फ्लावर दो कैटेगरीज ऑफ फ्लावर्स दो सिंपली बियर कर इन फोर पार्ट्स, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गायनोसियम। ध्यान दीजिएगा, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गायनोसियम, ये फोर पार्ट। इसके पहले के पार्ट में नहीं कहा कि ये हर्माफ्रोडाइट है, बाइसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल है, या एक्टिनोमार्फिक है, या जाइगोमार्फिक है, या ब्रैक्टिएट है, या इब्रैक्टिएट है, मैं इस विषय में नहीं आपसे बता रहा हूं। अगर ये ब्रैक्टिएट है या इब्रैक्टिएट है इससे नहीं मतलब है, एक्टिनोमार्फिक है, जाइगोमार्फिक इससे नहीं मतलब है। कंप्लीट फ्लावर वह फ्लावर होगा जिसमें ये ओरल पाए जाएंगे, जिसमें ये फोर ओरल, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गायनोसियम, ये फोर ओरल जिसमें कंप्लीटली प्रेजेंट हो, पूर्णतया उपस्थित हो। यदि उपस्थित हैं तो इन्हें हम कंप्लीट फ्लावर बोलेंगे, यदि अनुपस्थित है, नहीं पाए जा रहे हैं, तो ये इनकम्प्लीट फ्लावर हो जाएंगे। यदि इनमें से एक भी ओरल एंड्रोसियम गायब हो गया, जैसे फैमिली कुकुरविटेसी में आपने देखा, कुकुरविटा मैक्सिमा, कुकुरविटा पीपो, लाइजनेरिया, सेसेरिया, लौकी, कोहला, और इस तरह से आपने देखा कि इसमें अगर एंड्रोसियम अनुपस्थित है तो ये इनकम्प्लीट फ्लावर है, अगर एंड्रोसियम प्रेजेंट है, गायनोसियम अनुपस्थित है, तब भी ये इनकम्प्लीट फ्लावर है। तो इन फोर में से एंड्रोसियम गायनोसियम, इन फोर में से कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गायनोसियम, कैलिक्स इनका सबसे आउटर ओरल होता है, कैलिक्स इनका सबसे आउटर ओरल होता है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, मैं आपको खूब ध्यान से आपको बता दे रहा हूं। यहां पर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा अभी आपके। ये देख रहे हैं आप, ये ओरल जो होता है, ये थायरस, इसका जो है, इसका थायरस होता है, इसके ऊपर जो ओरल लगा हुआ है, ये एक कैलिक्स है, जो ज्वाइंट है, एक कैलिक्स है, क्या है ये, एक कैलिक्स है। और ऐसे ऐसे जो आप पत्तियां देख रहे हैं फ्लावर की, जो पत्तियां होती हैं, इनको कोरोला बोला जाता है, एक कैलिक्स बोले जाएंगे, कैलिक्स है ये, और ये कोरोला है, ध्यान देंगे कोरोला है। और अगर एंड्रोसियम की बात करें तो एंड्रोसियम की साइन इस तरह से दी जाती है, ध्यान देंगे आप, एंड्रोसियम की साइन आपको इस तरह से देना, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी एंड्रोसियम बना सकते हैं, ऐसे भी आपको एंड्रोसियम के सेफ साइड स्ट्रक्चर को ध्यान में, ऐसे भी एंड्रोसियम बना सकते हैं, सेंटर से ऐसे जोड़ देते हैं, तो एंड्रोसियम को अडाप्ट करने वाला है, फिलामेंट इसको बोला जाता है, और यहां भी एंड्रोसियम ऐसे लगा हुआ है इस तरह से। माय डियर फ्रेंड, और भी देख सकते हैं एंड्रोसियम के और भी क्लासेस मैं आपको बताना चाह रहा हूं, उसको भी आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, जान लीजिए। एंड्रोसियम एग्जार्च भी होते हैं, इंडार्च भी होते हैं, जिस तरह से जाइलम एग्जार्च और इंडार्च है, उसी तरह से गायनोसियम के पार्ट आप देखिए जरा सा, फिर एंड्रोसियम इसी में क्लियर हो जाएगा। गायनोसियम के पार्ट आपने देखा इस तरह से, गायनोसियम का पार्ट है इस तरह, ध्यान से देखेंगे, इस तरह से आप ध्यान से देखेंगे, यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, इसको हम बोलेंगे स्टिग्मा, क्या बोलेंगे, स्टिग्मा बोलेंगे, इसको स्टाइल बोलेंगे, ये स्टाइल है और ये ओवरी है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, क्या देखा आपने, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो यहां पर आप देखेंगे ये ओवरी है, ओवरी में लैक्यूल होते हैं, बाइलैक्युलर है, ट्राइलैक्युलर है, टेट्रालैक्युलर है, पेंटालैक्युलर है, लैक्यूल के आधार पर इनमें ओवरी इस तरह से अगर ट्रांसवर्स सेक्शन देखा जाए ऐसे डिवाइड हो जाती है, तो बाइलैक्युलर हो गई, अगर इस तरह से डिवाइड नहीं हुई तो ये सिंगल लैक्यूल में ही डिवाइड हो जाती है, जैसे आपने फैमिली पैपिलियोनेसी में देखा
कि यहां पर ही सीट का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन इसी का साथ अगर आप कुर्सी फेरी फैमिली को देख रहे हैं, कुर्सी फेरी में आप देखेंगे यहां पर भी एक सीट और इस तरह से भी एक सीट, दो सीट का फॉर्मेशन हो गया। ये बाई कार्पेलरी हो गया, कितने कार्पेल आए इसमें, दो कार्पेल आए, और यहां पर ये बाई कार्पेलरी हो गया, और बाई कार्पेलरी होने के साथ साथ ये सिनकार्पस हो गया, ज्वाइंट हो गया, ये बाई कार्पेलरी सिनकार्पस हो गए, इनको बोला गया बाई कार्पेलरी सिनकार्पस। द्वि अंडपी युक्तांडपी, इनको क्या बोला गया, द्वि अंडपी युक्तांडपी बाई कार्पेलरी सिनकार्पस। ठीक उसी तरह से इसमें ट्राई कार्पेलरी सिनकार्पस हो सकते हैं, टेट्रा कार्पेलरी सिनकार्पस हो सकते हैं, पेंटा कार्पेलरी सिनकार्पस हो सकते हैं, जस्ट लाइक हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस चाइना रोज। आप चाइना रोज के केस में डिस्कस कर करेंगे, चाइना रोज को देखेंगे तो पेंटा कार्पेलरी सिनकार्पस होते हैं। यहां पर आपने गायोसियम के पार्ट को देखा, गायोसियम में यहां पर सबसे पहले अब देखिए एंगोसियम को, यदि एंगोसियम की स्थिति इस प्रकार की है जो कि स्टिग्मा की तरफ झुका हुआ इंडार्च होगा, ध्यान से देखेंगे ये इंडार्च हो गया है, ये झुका हुआ इसका स्टामेन डायरेक्ट किसी पर पहुंचेगा। अगर एंडोसियम की स्थिति इस प्रकार की ना होकर ऐसे हो जाए, अब आप देख सकते हैं इस तरह से एंडोसियम हो गया, तो ये एग्जार्च गायनोसियम से काफी दूरी पर हो गया, एग्जार्च हो गया। सेम एज लाइक मैंने कहा कि इस तरह से आप जाइलम और फ्लोएम को देखते हैं कि जो सेंटर की साइड में है वो इंडार्च है, सेंटर से दूर है वो एग्जार्च है, ये प्रोसेस है। तो इंडार्च और एग्जार्च हो जाते हैं। माय डियर फ्रेंड, ये क्लास 11th के बच्चों के लिए है, अभी मैंने शुरुआत जो किया वो क्लास 9th किया, फिर क्लास 10th के विषय मैंने बताया, अब मैं क्लास 11th के विषय मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के विषय में डिस्कस कर रहा हूँ। तो मैं अलीमुद्दीन से काजी आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो पॉइंट आपके समझ में अभी नहीं आया उसको भी हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर से आप कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, आपका लेवल हाई जा रहा है, आपका लेवल लो जा रहा है, तो जितना भी आपको नॉलेज दिया जाना चाहिए, बेसिकली क्लास इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए मैं कहना चाहूंगा, उनको जितना भी नॉलेज दिया जाए, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे बायो का हो, वो ये मान करके चले कि उनको अभी कम नॉलेज ही मिल रहा है, क्योंकि इसी इंटरमीडिएट पर ही उनका फ्यूचर डिपेंड करेगा। तो आपसे मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, आप सभी लोगों से, जितने बच्चे हैं क्लास 11th और क्लास 12th के, इन सभी बच्चे पूरी तरह से इस बात का ध्यान दें कि ये जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं ये पूरी तरह से याद करें, तैयार करें इनको। यदि आप इन्हें पूरी तरह से प्रिपेयर कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, तो आसानी पूर्वक आप आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखें कि यहाँ पर आप अपने ऊपर कोई बर्डन फील ना करें, कोई भार फील ना करें कि आपको ये लगे कि नहीं आपने कोई बर्डन फील किया है। आपको ये लगना चाहिए कि नहीं, जो नॉलेज मिल रहा है हमको अभी कम है, इससे और ज़्यादा नॉलेज हमको मिलना चाहिए। ये क्लास 11th और 12th के बच्चों के लिए मेरा उनसे रिक्वेस्ट है। क्लास 9th क्लास 10th के बच्चों का सिलेबस सीमित है, उनको असीमित सिलेबस में भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं, उनको सिर्फ अपने सिलेबस पर ही कंप्लीटली डिपेंड होना है। लेकिन क्लास 11th और 12th के बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि अपने सिलेबस से ही जितना हो सके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा ज़्यादा स्टडी करें। तो मैंने अभी कंप्लीट और इनकम्प्लीट फ्लावर के विषय में बता रहा था और यहाँ पर ओवरी के विषय में बताया, आइए अब मैं आपको बताने चल रहा हूँ। आपने देखा कि ओवरी क्या होती है, ये भी मैंने बता दिया, गायनोसियम क्या है, कैलिक्स क्या है, करोला क्या है, ये चारों पार्टों को मैंने बताया, और चारों पार्टों में आपने क्लियर कर लिया, चारों पार्टों को ध्यान में रख करके आपने क्लियर कर लिया कि ये फ्लावर जो है ये कंप्लीट फ्लावर है और ये इनकम्प्लीट फ्लावर है। माय डियर फ्रेंड, इसके बाद भी अगर आपसे उसके रूट और उसके स्टेम के विषय में पूछता है तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस बार ये एनाटॉमी आपके कोर्स से बाहर निकाल दिया गया है। इस बार जो 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है, इसलिए उसमें इसकी औद्योगिकी संरचनाएं रूट की और स्टेम की, उनका ट्रांसवर्स सेक्शन, उनके होल डिस्क्रिप्शन, ये निकाल दिए गए हैं, ये आपको नहीं डिस्कस करना है। लेकिन फ्लावर के फॉर्म में आपको टोटल फैमिली इसको डिस्कस, फैमिली आपको रीड करनी, फैमिली आपको पढ़ना। उन फैमिली मैंने बता दिया कि क्रूसीफेरी है, मलवेसी है, पेपिलियोनेसी है, सेजलपिनियसी है, म्यूसेसी है, लिलियसी है, पेपिलियोनेसी, आफाइबेसी, पापावरेसी, ये फैमिली के विषय में आपको डिस्कस करना है। और डिस्कशन किस तरह से किया जाएगा, मैंने कहा कि हैबिट और हैबिटेट से स्टार्ट करेंगे, तो हैबिट और हैबिटेट को बताएंगे,
माने उनके हम सबसे पहले सिस्टमेटिक पोजिशन लिखने के बाद हैबिट एंड हैबिटेट बताएंगे, अकरेंस बताएंगे, फिर रूट लीव और स्टेम बताएंगे, फिर उसके बाद इन्फ्लोरेसेंस बताएंगे। इन्फ्लोरेसेंस में आकर के हम ये क्लियर कर देते हैं कि इसका किस तरह से इसमें कितने कैलिक्स हैं, कितने कोरोला हैं, कितने एंडोसियम हैं, कितने गाइनोसियम हैं। इन्फ्लोरेसेंस के बाद तब हमारा नंबर आता है फ्लोरल फार्मूले पर या फिर फ्लोरल फार्मूला या फिर माय डियर फ्रेंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सभी फैमिली पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए। मैं कहना चाहूँगा फ्लोरल फार्मूले कि किसी में ई ब्रैक्टीएट होता है EBR, किसी में ब्रैक्टीएट होता है BR, किसी में लिखा रहता है BRL ब्रैक्टीओरल, EBR ईब्रैक्टीएट ब्रैक्ट एब्सेंट हो गया, BR ब्रैक्टीएट और किसी में है ब्रैक्टीओरल, अर्थात जो ब्रैक्ट पाया जा रहा है एपिकैलिक्स जो पाया जा रहे हैं चक्रीय हैं घूमे हुए हैं इधर देता है। फिर आपसे कहता आगे बताया आप बताते हैं कि ये एक्टिनोमार्फिक है या फिर जाइगोमार्फिक है। अगर ये इस तरह से इनके गोला बना करके ऐसे कर देता है तो एक्टिनोमार्फिक की साइन हुई, अगर एक लाइन ऐसे खींचता है तो जाइगोमार्फिक की साइन हुई। ऑलरेडी मैंने इस टर्म को बता रखा है आप लोगों को, फिर मैं आज आपसे रिपीट कर रहा हूँ, उस बात का ध्यान दीजिएगा। ऐसे भी कर देता है तो जाइगोमार्फिक की साइन हुई, तो इस तरह से एक्टिनोमार्फिक है जाइगोमार्फिक। ये फ्लावर की कंडीशन और एफडी पर डिपेंड करेगा, जब आप इसकी फ्लोर इसका फ्लोरल डायग्राम बनाएंगे और उसको क्रॉस करेंगे काटेंगे तो वहां पर एक क्लियर होगा। अगर एक बार ही कट रहा है उसका डायग्राम, सिर्फ एक बार काटने पर दो पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है तो जाइगोमार्फिक है। क्या है? जाइगोमार्फिक है, एक व्यास सममिति है। अगर उसको कई चक्रों में जितने चाहे आप उतने चक्रों में आप काट सकते हो, इस तरह से हॉरिजॉन्टल लॉन्गिट्यूडनल वर्टिकल और रेगुलर दो पार्ट में डिवाइड होता, बराबर पार्ट में डिवाइड होता चला जा रहा है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता चला जा रहा है तो एक्टिनोमार्फिक है। इस तरह से आप ये लिखते हैं एक्टिनोमार्फिक और जाइगोमार्फिक। हर्माफ्रोडाइट, मेल है तो मेल लिखेंगे, मेल फीमेल है तो फीमेल लिखेंगे इस तरह से। अगर मेल फीमेल दोनों है तब हम उसे हर्माफ्रोडाइट ऐसे करके लिख देते हैं, माने मेल है तो मेल लिखेंगे, फीमेल है तो फीमेल लिखेंगे ए फैमिली कुकुरविटेसी में। अगर दोनों है, मेल फीमेल दोनों है, उनको हम हर्माफ्रोडाइट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हर्माफ्रोडाइट लिखते हैं। यहां पर हमने हर्माफ्रोडाइट लिखा। अब हर्माफ्रोडाइट लिखने के बाद हमारा टॉपिक आता है कैलिक्स, कैलिक्स आ जाएगा। अगर एपिकैलिक्स है ध्यान दीजिएगा, एपिकैलिक्स है सबसे पहले हम API लिखते हैं एपिकैलिक्स, फिर लिखते हैं कैलिक्स, फिर लिखते हैं कोरोला, फिर लिखते हैं एंडोसियम, एट लास्ट गाइनोसियम। तो ये फ्लोरल फार्मूला हो गए EBR BR BRL, इसमें से जो प्रेजेंट हो वही आपको लिखना है, ये नहीं कि टोटल आपको लिख डालने हैं। एक्टिनोमार्फिक है तो एक्टिनोमार्फिक लिखेंगे, जाइगोमार्फिक है तो जाइगोमार्फिक लिखेंगे। यूनिसेक्सुअल में आप देखिएगा, यदि मेल है तो मेल लिखेंगे, फीमेल है तो फीमेल लिखेंगे, दोनों पाए जा रहे हैं मेल फीमेल, एंड्रोसियम गाइनोसियम दोनों पाया जा रहा है, एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों प्रेजेंट है तो उनको हम बाइसेक्सुअल लिखे हर्माफ्रोडाइट लिखेंगे। और ऐसी कंडीशन हर्माफ्रोडाइट के बाद अगर एपिकैलिक्स पाया जा रहा है तो एपिकैलिक्स शो करेंगे कि हाँ इसमें एपिकैलिक्स पाया जा रहा है, नहीं पाया जा रहा तो EPI लिखने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद कैलिक्स लिखेंगे, कैलिक्स अगर 5 हो गया, कोरोला लिखेंगे 5 हो गया, एंड्रोसियम लिखेंगे इन्फिनिट हो गया, कैलिक्स 5 फ्यूज हो सकते हैं ऐसे लिख देंगे 5 फ्यूज हो गया, एंड्रोसियम 5 सेपरेट हो गया, कोरोला 5 सेपरेट हो गया, एंड्रोसियम इन्फिनिट। माय डियर फ्रेंड, एंड्रोसियम इन्फिनिट से हमारा आशय यह होता है, क्या किसी एंड्रोसियम को हम काउंट नहीं कर सकते? क्या किसी फैमिली के फ्लावर में एंड्रोसियम को हम काउंट नहीं कर सकते? नो, ऑलरेडी हम काउंट कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, मैं काउंट कर सकता हूं, आप सभी काउंट कर सकते हो, लेकिन नंबर ऑफ 10 से एक्सेस अगर होता है, नंबर ऑफ 10 तक है, जैसे फैमिली पैपिलियोनेसी में आपने देखा, फैबेसी में देखा, पाइसम सटाइवम में, उसमें 10 एंड्रोसियम है तो आपने लिखा 1+9 कंजाइन, एक अलग है, 9 अलग है, द्विसंगी है और 9 आपस से जुड़ा हुआ है, एक सेपरेट है, तो 1+9 आपने लिख दिया, 1+9 आपने प्रेजेंट किया, तो 1+9 में 10 तक आप जा सकते हो, लेकिन मोर देन 10 हो जाता है, यदि मोर देन 10 हो जाता है तो फिर हम लिखते हैं इन्फिनिट। उसको आप क्या लिखेंगे? इन्फिनिट लिखेंगे।
इन्फिनिट से ऐसा ये हो गया कि ये मोर देन 10 है। अगर ये कंजॉइंट एसोसिएट है तो ऐसे ऐसे आप बना करके एंडोसियम का ऐसे ऐसे आप बना करके ध्यान देंगे कि गाय जो है ओवरी के चारों तरफ एंडोसियम को बना करके इस तरह से आप इनको जोड़ देंगे, ऐसे जोड़ देते हैं आप इनको, ऐसे जोड़ देते हैं, एक सेपरेट है तो आप सेपरेट कर देते हैं, इस तरह से इनको ज्वाइंट कर दिया जाता है। अगर ये पाइपा से ध्यान दीजिएगा कि एंडोसियम कहीं कहीं पर कोरोना से जो है ये ज्वाइंटेड होते हैं, जैसे गेटवे हॉस्पिटल में भी आप लोगों ने देखा है, मालवेसी में भी देखा है, फैमिली मालवेसी में भी ऐसा कैसी कंडीशन आप देखे हैं, गेटवे हॉस्पिटल धतूरे की में आपने देखा है कि उनका एंडोसियम उनके कोरोना से जाकर के अटैच होता है। इस तरह से आप जो है साइन लगा सकते हैं, इस तरह से आप उनकी साइन आसानी पूर्वक लगा सकते हैं। और गाइनोसियम अगर यहाँ पर एंडोसियम 5 है, कैरिस 5 फ्यूल, कोरोला 5 सेपरेट, एंडोसियम इन्फिनिट और गाइनोसियम 5, गाइनोसियम आपने लिखा 5 फ्यूल ओवरी सुपीरियर, तो गाइनोसियम 5 हो गए, माने इनकी ध्यान देंगे इनकी ओवरी जो होती है वो पेंटालाकुलर है। क्या है इनकी ओवरी? पेंटालाकुलर है। इस तरह से ओवरी को पेंटालाकुलर में कर दिया गया, इस तरह से इनकी ओवरी को पेंटालाकुलर में कर दिया गया, 1 2 3 4 5 पेंटालाकुलर में किया गया, एक ओवरी हो गई पेंटालाकुलर सिंकारपस, माने ये हो गया ओवरी, ओव्यूल जो इसमें पाए गए। तो यहाँ पर हम कहते हैं लॉक्यूल जिनको कहते हैं कि ये एक 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 चैम्बर को एक एक कार्पेल का नाम दिया जाता है, एक एक चैम्बर को एक एक कार्पेल का नाम दिया जाता है। तो 1 2 3 4 5 कार्पेल पाए गए, इसको हम लिखते हैं पेंटा कार्पेलरी सिनकार्पस। क्या लिखते हैं? पेंटा कार्पेलरी सिनकार्पस मीन्स पंच अंडपी युक्तांडपी, इनको हम लिखते हैं पेंटा कार्पेलरी सिनकार्पस, जिसका आशय होता है पंच अंडपी युक्तांडपी। इनमें अंडपों की संख्या 5 पाई जाएगी, अब पांचों आपस में जुड़े हुए होंगे, ये होते हैं पेंटा कार्पेलरी सिनकार्पस। इस तरह से आप पेंटा कार्पेलरी सिनकार्पस को देख रहे हैं। और यहाँ पर मैं कुछ फ्लावर को भी आपको आइडेंटिफाई करना चाहूँगा, दिखाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। ऐसे लॉक्यूल को हम कहते हैं, ऐसे ओवरी को हम कहते हैं, ये पेंटा कार्पेलरी सिनकार्पस के फॉर्म में है। यदि ये पेंटा कार्पेलरी सिनकार्पस के फॉर्म में है तो ऐसी कंडीशन के लिए इसमें हम डिस्कशन कर सकते हैं। अगर टेट्रा भी हो सकते हैं, ट्राई भी हो सकते हैं, बाई भी हो सकते हैं, बाई कार्पेलरी सिनकार्पस, ट्राई कार्पेलरी सिनकार्पस, टेट्रा कार्पेलरी सिनकार्पस, इस तरह से हम कितने कार्पेल हैं और सारे कार्पेल ज्वाइंट हैं या नहीं ज्वाइंट हैं, तो इनको हम आसानी पूर्वक डिस्कस कर सकते हैं। तो इनको हम आसानी पूर्वक अगर हमने डिस्कस किया, एक्सप्लेनेशन दिया, तो यह डिपेंड करेगा फ्लोरल फार्मूले पर, आपने जो फ्लोरल फार्मूला लिखा है। अब ये जो बना रहे इसको कहते हैं फ्लोरल डायग्राम। क्या बोलते हैं इसको? फ्लोरल डायग्राम बोलते हैं। तो ये फ्लोरल डायग्राम आप शो कर देंगे, इस तरह से आप किसी भी फैमिली का पूरी तरह से डिस्कशन कर लेते हैं। आइए अगला देखते हैं, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। माय डियर फ्रेंड, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के केस में ऑलरेडी क्लास 11 मैंने कहा कि मैं क्लास 11 के विषय में डिस्कस कर रहा हूं, तो माय डियर फ्रेंड क्लास 11 के बच्चे ध्यान से सुनेंगे कि सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, सेल साइकिल जिसको मैंने कहा कि एस आर पेल कैन हावर्ड ने 1954 में इसको डिस्कस किया और इसका इसके विषय में पूरा बताया एस आर पेल के हावर्ड ने कि सेल साइकिल और जो है सेल साइकिल होती क्या है। सेल साइकिल में कोशा चक्र में आपने देखा कि सेल साइकिल को सिंपली जो है 24 आवर्स का मान लिया गया और 24 आवर्स को मानकर यह देखा गया इसमें जो है इस तरह से देखा जा रहा है, इस तरह ध्यान देखें 50% से थोड़ा सा कम है, किसी किसी राइटर डायरेक्ट 50% कर दिया है, किसी किसी राइटर ने 50% से कम कर दिया है, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये फेज जो चलती है, इस तरह से जो फेज चल रही है, इसी फेज को नाम दिया जा रहा है, इसी फेज को नाम दिया जा रहा है, इस तरह से इसी फेज को नाम दिया जा रहा है। अब जो फेजेज यहाँ पर डिस्कशन में आ रही है इनको आपने देखा कि ये जीवन फेज है। कौन सी फेज है? ये जीवन फेज है और यहाँ पर ये G1 फेज, G1 यस, और यहाँ पर है ये G2 और ये M फेज। माय डियर फ्रेंड, यहाँ तक आपको बताया गया कि G1 यस G2 तक, मींस G1 ध्यान से देखेंगे ये फेज है जो 50% मींस 12 आवर्स, 6 टू 8 आवर्स, 3 टू 4 आवर्स एंड 1 टू 2 आवर्स का टाइम होता है इसका।
एफेरेज इतने समय तक चलती है इस बात का ध्यान रखेंगे, एफेरेज इतने समय तक चलती है इस बात का ध्यान रखेंगे। 6 to 8 hours का टाइम इसका होता है, 3 to 4 hours का टाइम इनका होता है, 1 to 2 hours टाइम एम्फेज का होता है। तो यहां तक का आपने देखा कि G1, S एंड G2 ये तीनों फेजें जो होती है एक इंटरफेज के नाम से जानी गई। कौन से नाम से जानी गई? इंटरफेज के नाम से जानी गई। इसके बाद आपका आता है एक यम फेज। यम फेज में आप यहां से चलना शुरू करते हैं, यम फेज में आप यहां से चलना शुरू करते हैं। ये होता है प्रोफेज, ये होता है मेटाफेज, ये होता है एनाफेज, ये होता है टेलोफेज, एट लास्ट काइनेसिस। काइनेसिस के बाद फिर जाती है बहुत ही अल्प समय के लिए फेज चलती है, जिसको बोला गया जी नॉट फेज। क्या बोला गया? जी नॉट फेज। जी नॉट फेज एक ऐसी फेज होती है जिसको कहा गया कि इसमें सेल से फिर से अपने को मेच्योर करने का प्रयास करती है, या फिर रेस्टिंग पीरियड में चली जाती है, या फिर रेस्टिंग पीरियड में चली जाती है। तो जी वन यस जी टू यम ये चार फेजेज हैं, जिसमें तीन फेज को मैंने लिया है G1, S, G2। इन तीन फेजों को लेकर के मैंने कहा कि इंटरफेज है, और इंटरफेज के बाद तब फिर मैंने बताया कि यहां पर ये इंटरफेज के बाद अब मैंने कहा कि आप यम फेज को मैंने डिवाइड किया, यम फेज को मैंने 5 पार्ट में जो है डिवाइड कर दिया, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज एंड काइनेसिस। एक काइनेसिस तक आया। अब काइनेसिस में हमारे पास दो काइनेसिस होते हैं, माय डियर फ्रेंड, यहां पर ध्यान देंगे। काइनेसिस में सबसे पहले न्यूक्लियस का एक डिवीजन हो रहा है, केंद्रक का विभाजन हो रहा है, न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, जिसको हम कहेंगे कैरियोकाइनेसिस। न्यूक्लियस के डिवीजन को अगर न्यूक्लियस इस तरह से डिवाइड कर रहा है तो न्यूक्लियस का जो डिवीजन हो रहा है इसको हम बोलेंगे ये कैरियोकाइनेसिस है। और न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद अगर इनका न्यूक्लियस का डिवीजन इस तरह से कैसे होता है, न्यूक्लियस जो है सबसे पहले चपटे होना शुरू हो जाते हैं, इस तरह से ये चपटे होना शुरू हो जाते हैं, इस तरह से चपटा होना शुरू हो जा रहा है, और ये चपटा होना शुरू हो जा रहा है, इस तरह से ये मिल जाते हैं। जब ये मिल जाएंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं इनके मिल जाने से दोनों न्यूक्लियस सेपरेट हो जाते हैं, इनके मिल जाने से दोनों न्यूक्लियस सेपरेट हो जाते हैं, और इनको बोला गया कि ये जो है ये कैरियोकाइनेसिस है। इस तरह से आप कैरियोकाइनेसिस देखेंगे, और कैरियोकाइनेसिस के प्रोसेस के बाद तब फिर आता है साइटोकाइनेसिस। ध्यान देंगे ये न्यूक्लियस हो गया है, और न्यूक्लियस का डिवीजन आप देख लीजिए, उसके बाद इनके साइटोप्लाज्म का डिवीजन होना स्टार्ट हो जाता है। तो साइटोप्लाज्म का मिड कंस्ट्रक्शन बिगेन करता है, इस तरह से यहां पर ये मिड कंस्ट्रक्शन बिगेन करेगा, और ये बढ़ता आएगा, जब बढ़ता आएगा ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। जब ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है इस प्रोसेस को कहते हैं साइटोकाइनेसिस है। क्या बोलते हैं इसको? साइटोकाइनेसिस है। तो ये साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होता है। इस फिगर को ध्यान पूर्वक बना लीजिएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होता है। तो साइटोकाइनेसिस के प्रोसेस में यहां पर जीवद्रव्य का विभाजन होता है, और जब इसके जीवद्रव्य विभाजित हो जाते हैं साइटोकाइनेसिस का डिवीजन हो जाता है। आपने देखा कि न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड हुआ, आधा इस साइड में आ गया, आधा इस साइड में आ गया सेल के डिवीजन में। ये मैं आपको जो यहां पर न्यूक्लियस आ गया, यहां पर न्यूक्लियस आ गया, और ये साइटोकाइनेसिस हो रहा है। अब ये साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस आया, अब यहां पर ये साइटोप्लाज्म के डिवीजन के थ्रू यहां पर देखेंगे एक सेल इस साइड में बन जा रही है, और दूसरी सेल आप देखेंगे इस साइड में बन जा रही है, दूसरी सेल आप देखेंगे इस साइड में बन जा रही है, इस तरह से। तो ये जो होता है एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाती है, जिस प्रक्रिया को बोला जाता है माइटोसिस। क्या बोलते हैं इसको? माइटोसिस बोलते हैं। और यही माइटोसिस जो है फिर से जो है अपना ये प्रोसेस पूरा का पूरा माइटोसिस हो जाता है। उसके बाद जो है आता है प्रोसेस मियासिस का। मियासिस से मतलब होता है अर्धसूत्री कोशा विभाजन। तो अर्धसूत्री कोशा विभाजन का मतलब ये हो गया माय डियर फ्रेंड कि ये डिवीजन दो बार चलेगा, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या उनके पेरेंट्स की आधी हो जाएगी। गुणसूत्रों की संख्या उनके पेरेंट्स की आधी हो जाएगी, तो वहां पर यह हैप्लॉयड कंडीशन में अपने फेज को कंप्लीट करेंगे ये सेल डिवीजन। इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट फेजेस बताया गया, जैसे मैंने आपको फिर से एक बार रिवीजन में ले रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जो फेज बताई गई आपको, ये बताया गया प्रोफेज, प्रोफेज बताया गया, दूसरा बताया गया प्रोफेज के बाद मेटाफेज, मेटाफेज, तीसरा बताया गया एनाफेज,
अब यहां पर एनाफेज बता, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, टीलोफेज बताया जा रहा है, एट लास्ट काइनेसिस बताया गया। काइनेसिस के बाद प्रोफेज में आपने देखा कि प्रोफेज के लिए लंबा समय लेती है, अर्ली प्रोफेज, मिडिल प्रोफेज, लेट प्रोफेज, प्रोमेटाफेज, ये चार फेजेज होती है। इसके बाद फिर मेटाफेज आ जाता है, इसके बाद ये मेटाफेज आता है, अर्ली प्रोफेज, मिडिल प्रोफेज, लेट प्रोफेज, प्रोमेटाफेज, उसके बाद मेटाफेज, फिर एनाफेज, टीलोफेज और काइनेसिस। अब इसमें से सारे पॉइंट्स आपको बताए गए हैं और इन सारे पॉइंट से आपसे क्वेश्चन एनालाइज किया जा सकता है। राइट द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ मेटाफेज, राइट द कमेंट ऑन मेटाफेज इन द केस ऑफ माइटोसिस, राइट द कमेंट ऑन मेटाफेज इन द केस ऑफ माइटोसिस। माय डियर फ्रेंड, माय डियर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन इस प्रकार का आ रहा है, आपने मेटाफेज पढ़ा, ऑल द क्रोमोसोम हैव सैचुएटेड ऑन इक्वेटोरियल प्लेन, यहां पर गुणसूत्र जो होते हैं मध्यवर्ती पट्टिका पर आकर के व्यवस्थित हो जाते हैं। तो गुणसूत्रों का मध्यवर्ती पट्टिका पर आकर के व्यवस्थित हो जाना जो है, इस प्रकार से गुणसूत्र अगर मध्यवर्ती पट्टिका पर आकर के व्यवस्थित हो जा रहे हैं तो उसको हम मेटाफेज कहेंगे। तो यहां पर गुणसूत्र अगर मध्यवर्ती पट्टिका पर आ जा रहे हैं इसको हम मेटाफेज कहेंगे, और अगर मेटाफेज की कंडीशन के बाद हमारा एनाफेज आता है, एनाफेज के बाद टीलोफेज, टीलोफेज के बाद काइनेसिस, तो मेटाफेज आ गया, मेटाफेज के बाद एनाफेज, जो मेटाफेज के बाद की प्रावस्था होती है उसको हम एनाफेज का नाम देते हैं। अब उसके बाद टीलोफेज जो अंत्यावस्था होती है, प्रोफेज को पूर्वावस्था, मेटाफेज को मध्यावस्था, एनाफेज को पश्चावस्था, टीलोफेज को अंत्यावस्था, काइनेसिस को कहते हैं हम डिवीजन। माय डियर फ्रेंड, अब काइनेसिस को जो हमने डिवीजन कहा तो डिवीजन को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, कितने पार्ट में डिवाइड किया, दो पार्ट में डिवाइड किया इसी डिवीजन को। अब क्या क्या कहा हमने डिवीजन के लिए, कि ये कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, और इसके हर पार्ट के विषय में आपसे क्वेश्चन अराइज किया जा सकता है। ये आपका सेल डिवीजन हो गया और सेल साइकिल हो गया। अब ये देखते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट भी मैंने बता दिया। अब जरा क्लास ट्वेल्थ के बच्चे ध्यान से हमारी बात को सुनेंगे, क्लास ट्वेल्थ के बच्चे जो हैं वो हमारी बात को ध्यान से सुनेंगे। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन पर ध्यान से सुनेंगे कि यहां पर आनुवंशिकी के नियम क्या है, जिसको मेंडल ने बताया कि आनुवंशिकी के क्या क्या नियम होते हैं, जिनमें आनुवंशिकी विषय में बताया गया लाइक बिगेस्ट टेंड्स टू द लाइफ, जैसे माता पिता वैसे उनकी संतानें होती हैं, माता पिता जैसी ही संतानें होती हैं, तो इस तरह से माता पिता के गुणसूत्र संतानों में आते हैं। और एक गुणसूत्र पर आपने जीनों की संख्या को देखा कि अगर 46 गुणसूत्र है तो लगभग 30 से 40 हजार जीन उसके ऊपर व्यवस्थित होते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, ये जीन माता पिता के गुणों को संतानों में लेकर के आते हैं, और जब ये जीन उनके गुणों को लेकर के संतानों में आएंगे तो इसमें ढेर सारे प्रोसेस, ढेर सारे पॉइंट्स, ढेर सारे कैरेक्टर को लेकर के आते हैं। इस तरह से आपने देखा कि इसमें आपको बताया गया लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम, जैसे आपने टाल और टाल को लिया, क्रॉस बाय स्मॉल टी लिया, मैंने बताया है जीन कभी भी क्रॉस नहीं करता है और एलील क्रॉस करते हैं, तो यहां पर कैपिटल टी स्मॉल टी देखिएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां देखिएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां देखिएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां देखिएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। तो जितने भी आए 100% प्लांट टाल तो आए, 100% प्लांट ये टाल तो हो गए, बट इम्प्योर है, क्या है ये, इम्प्योर है, लंबे तो है लेकिन ये अशुद्ध है। इस तरह से आपने देखा लॉ ऑफ डोमिनेंस आता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस के बाद आएगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बाद आएगा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। माय डियर फ्रेंड, लॉ ऑफ डोमिनेंस के बाद लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आप देखते हैं, इसका रेशियो मैंने बताया 1:2:1 या 3:1 करके आता है। अब थर्ड लॉ आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसमें आप देखा 9:3:3:1, और ड्रोसोफिला के केस मैंने आपको बताया है इसमें आता है 7:1:7। ड्रोसोफिला का केस होता है, यहां भी चेकरबोर्ड की सहायता चलते हैं, और इसमें कौन कौन सी डिजीजेज हो सकती हैं, ये सारे प्रोसेस किस पेयर में, किस पेयर ऑफ क्रोमोसोम में
वेरिएशन होने से कौन सी डिजीज हो जाएगी, इन सब के विषय में हमने आपको बताया है। और यहाँ पर एक टॉपिक एटलॉस का टॉपिक ध्यान से बताना चाहूँगा कि एटलॉस का टॉपिक जो होता है वह है सेक्स डिटर्मिनेशन। माय डियर फ्रेंड्स, सेक्स डिटर्मिनेशन में आपने देखा है कि 50% मेल और 50% फीमेल आते हैं। इसका कई बार मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर इसका डायग्राम बना दिया है, आपसे इस पर भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और इसका लास्ट का टॉपिक है, ये देखते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज। माय डियर फ्रेंड, इसमें माइक्रोबियल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, फंगल डिजीज, वायरल डिजीज, इन सारी डिजीज के विषय में आपको ध्यान देना है। ह्यूमन बॉडी पर कौन कौन से माइक्रोबियल डिजीज अटैक कर सकती है, कौन कौन से फंगल डिजीज अटैक कर सकते हैं, कौन कौन से बैक्टीरियल डिजीज अटैक कर सकती है, कौन कौन से जो है वायरल डिजीज अटैक कर सकती है, इन डिजीजेस के अटैक करने से हमारे बॉडी पर क्या क्या इफेक्ट होते हैं, उनके सिम्टम क्या है, उनके ट्रीटमेंट क्या है। सिम्टम के साथ साथ आपको ट्रीटमेंट की भी जानकारी रखनी अत्यंत आवश्यक है और लिखना है आपको। जैसे मलेरिया डिजीज है, इस पर भी क्वेश्चन एनालाइज किया जा सकता है। डायरिया है, इस पर भी क्वेश्चन एनालाइज किया जा सकता है। क्रॉनिक डिजीज पर, कैंसर पर भी पूछा जा सकता है। एचआईवी एड्स पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्रॉनिक डिजीजेस एंड पुअर हेल्थ, क्रॉनिक डिजीज एंड पुअर हेल्थ। और इसके पहले आप देखिएगा, जो कुछ ऐसे एडिक्टेड पर्सन होते हैं, कुछ ऐसे एडिक्टेड पर्सन जो कि ड्रग्स वगैरह ले रहे हैं या फिर वाइन वगैरह ले रहे हैं, तो इस तरह से उनके लीवर किडनी वगैरह डैमेज हो जाते हैं, उनकी बॉडी इफेक्टेड हो जाती है। तो आपने देखा कि ये भी डिजीजेज है, कॉज ऑफ डिजीजेज है। और सिंपल सा पॉइंट है कि जो ऐसे मटेरियल जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हों, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हों, ऐसी डिजीजेज ऐसे को जो हमारे बॉडी के लिए पूरी तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन्हीं को हम कहेंगे जो है अनहेल्दी मटेरियल्स हैं, ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो हमको ऐसे कंपोनेंट का यूज नहीं करना है। अगर हम अपने बॉडी को हेल्दी बनाना चाहते हैं तो हेल्दी की स्पेलिंग, हेल्दी की मीनिंग, हेल्दी की फीलिंग, हेल्दी का पॉइंट, हेल्दी का एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया। ए पर्सन दोज यू आर कंप्लीटली फिटेड सोशियली, मेंटली, फिजिकली वेलबींग इज कॉल्ड हेल्दी पर्सन। अगर इनमें से कोई भी एक डैमेज हुआ माय डियर फ्रेंड, तो डिजीजेड पर्सन में आ जाएगा। तो ध्यान रहे कि आपका बैक्टीरियल डिजीज क्या है, कॉलरा, डायरिया बैक्टीरियल डिजीज हो गई। वायरल डिजीज में आपने देखा, फंगल डिजीज में रिंगवर्म है, आप देखा है फंगल डिजीज हो गई, दांत खाज खुजली जिसमें आती है। तो ये सिंपल से पॉइंट है, सिम्टम है, इनके ट्रीटमेंट क्या, डिजीज क्या है, इनके सिम्टम क्या है, इनके ट्रीटमेंट क्या है, इन सारे पॉइंट्स को आपको लिखना है, आपको जानना है, चूंकि आपने इसको स्टडी किया है, पढ़ा है। तो मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी अपने यूट्यूब चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी के माध्यम से आप सभी से ये बात कहना चाहूँगा, जिन बच्चों ने अभी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, वे लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि सारे पॉइंट, सारे क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, मैंने उनका एक मॉडल आपके सामने रख दिया है, एक मॉडल मैंने आपके सामने बता दिया है। अब आपको क्वेश्चन को प्रिपेयर करना चाहिए, लेसन को प्रिपेयर करना है, आपकी जिम्मेदारी है। मैंने लेसन पूरी तरह से एक्सप्लेन करके आपको डिस्ट्रीब्यूट किया है यूट्यूब के माध्यम से, क्लास 9th को भी, क्लास 10th को भी, क्लास 11th को भी, क्लास 12th को भी। इस बात का ध्यान रखें कि आज का जो मेरा लेक्चर है, ये क्लास में 9th में भी डिलीवर करूंगा, 10th में भी डिलीवर करूंगा, 11th में भी डिलीवर करूंगा, 12th में भी। इन सबके डिलीवर करने से आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि 9th के बच्चे सिर्फ उतना ही नोट करेंगे जो उनके 9th के सिलेबस मैंने बोला है, 10th के बच्चे उतना ही नोट करेंगे जो 10th के सिलेबस मैंने बोला है, 11th के बच्चे उतना ही नोट करेंगे जो 11th के सिलेबस में मैंने बोला है, 12th के बच्चे उतना ही नोट करेंगे जो मैंने 12th के सिलेबस में बोला है। इस बात का पूरी तरह से आप ध्यान रखेंगे, ये नहीं कि 9th वाले बच्चे 12th वाले, इसलिए मैंने क्लास वाइज करके आपको बताया है किस क्लास को मैंने कौन सा टॉपिक, कौन सा लेक्चर दिया है। तो मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी अपने यूट्यूब चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी के माध्यम से इस आशय के साथ विदा लेता हूँ कि आप लोगों ने, जिन लोगों ने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, वे लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं पर मैं समाप्त करता हूं। थैंक यू।